हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर, एक कदम सफलता की ओर। और आपकी सफलता के लिए जो एक प्रयास है हमारा, जो एक छोटा सा एफर्ट है, आई थिंक कि आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि पिछले दो महीने से जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं या आगे जो प्लान है हमारा करने के लिए, जो टारगेटेड एग्जाम है या किनके द्वारा पढ़ाया जाएगा, वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक हमारे फेसबुक पेज जिसपे मोर देन 90,000 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप फेसबुक पे जाइए और सिलेक्शन मेंटर डालना है, हमारा लोगो दिखाई देगा और आपको वहां पे पेज को लाइक करना है। वहां पे बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, डेली अपडेट्स, करंट अफेयर्स, वो आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि डेली यूट्यूब के अपडेट्स मिले आपको, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम अपना ऐप ओपन करेंगे, उसमें डालेंगे सिलेक्शन मेंटर और आप वहां पे जुड़ जाएंगे। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, क्लिक करेंगे तो आपको फेसबुक और टेलीग्राम और व्हाट्सएप सब जगह आप लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आगे क्या हमारे टारगेट है, पिछले दो महीने से हम लोग यहां पे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे फोकस चल रहा था हमारा। जैसे वी वर फोकसिंग ऑन FCI prelims पे हमारा फोकस था, ठीक है, या फिर इससे पहले जो और भी एग्जाम हुए उस पे हमारा फोकस था। लेकिन अब हमारा जो मेन फोकस है टारगेटेड एग्जाम, वो इन सबको ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग वीडियोस बनाने का सोच रहे हैं। जैसे सबसे पहले FCI mains prelims कंप्लीट हो गया मेंस के लिए। जैसे कि मैं, अंकुर शर्मा, आपको पता है इतना मैथमेटिक्स आपको पहले पढ़ाया है, ठीक है, तो आगे भी ऐसे पढ़ाएंगे और क्या शेड्यूल होगा मैं अपनी तरफ से वो आज डिस्क्लोज यहां पे करने वाला हूं। दूसरा क्या है कि आपके NTPC को भी टारगेट यहां पे किया जाएगा और SBI क्लर्क की ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं सारा आप डिस्क्लोज कर देंगे। कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप पूछ सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम है 23 जून को है और CGL मेंस को ध्यान में रखते हुए आगे वीडियोस बनाई जाएंगी, ठीक। कौन पढ़ाएगा? दिस मैथ्स विल बी कवर्ड बाय मी, अंकुर शर्मा, ठीक है। आई एम सिलेक्टेड एंड वर्किंग इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन 2015 में सिलेक्शन हुआ, तब से अभी तक वर्किंग हूं। तो उससे पहले आई वॉज इन महिंद्रा इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो वहां पे मैथमेटिक्स फैकल्टी था, तो उसको कंटिन्यू करते हुए यहां पे मैं मैथ्स यहां पे पढ़ा रहा हूं आपको। उसके बाद क्या है, इंग्लिश ऑलरेडी शालिनी भट्ट मैम आपको पढ़ा रही हैं, जो वेरीफाइड एंड स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे। उसके अलावा रीजनिंग सिद्धांत जैन सर हैं, सेम अनअकैडमी पे वेरीफाइड एंड टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं, टॉप 4 में इनका नाम है, जो बैंकिंग और SSC की प्रिपरेशन कराते हैं रीजनिंग में। इनके काफी बार 100 में से 100% नंबर आए, दैट मींस रीजनिंग में से 35 में से 35 नंबर आए, दैट मींस 100%। तो आप देख सकते हैं यहां पे ये सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो इतना सारा मैथमेटिक्स अभी मैंने कितना पढ़ाया आपको और आगे क्या पढ़ाने वाला हूं, वो सब मैं आपसे यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि क्या चल रहा है चैनल पे और क्या आगे चलने वाला है। और अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, ठीक। मैथ्स में क्या कराऊंगा मैं आगे, अभी तक आई वॉज फोकसिंग ऑन FCI प्रीलिम्स जो IBPS ने कंडक्ट कराया है, ठीक है, या फिर SBI क्लर्क पे वी वर फोकसिंग। उसमें क्या था, उसमें हमने सिंप्लीफिकेशन डिस्कस किया, ठीक है, DI डिस्कस किया, उसके बाद नंबर सीरीज को डिस्कस किया और इनइक्वालिटी को डिस्कस किया, ठीक है। अब जैसा मैंने बच्चों को बताया था कि FCI प्रीलिम्स में आपको यहां से मोर देन 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो मैंने इसी पोर्शन पे बहुत ज्यादा फोकस यहां पे किया था। तो 10 प्लस क्वेश्चन हर सेट में FCI प्रीलिम्स में आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद DI मैंने कहा था 5 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हर सेट में 5 क्वेश्चन जरूर आए हुए थे, ठीक। उसके बाद नंबर सीरीज मैंने बोला था 5, तो जरूर आए थे, तो यानी 10, 15, 20, 35 में से 20 नंबर तो यही आए थे और यही आते भी हैं, तो इसीलिए आई वॉज स्ट्रिक्टली फोकसिंग ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक। अब क्या है आगे, इनइक्वालिटी, किसी सेट में इनइक्वालिटी था, किसी सेट में नहीं था, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सब कराया हुआ था। तो ये सब बताने का मेरा मोटिव ये है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली दीज टॉपिक आर फॉर FCI मेंस, SBI क्लर्क, इन दो एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं अच्छी अच्छी, एक एक घंटे की वीडियो है, आप सिंप्लीफिकेशन की 5-6 पार्ट है अच्छे से देख लो। DI की एक मैराथन क्लास है, आप सर्च करेंगे वीडियोस में एकदम मिल जाएगी आपको।
नंबर सीरीज आप करेंगे तो आपको एक क्लास में मैंने बहुत अच्छे से नंबर सीरीज कराया हुआ है। इनइक्वालिटी 5 आपके 3 क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे तरीके से, जो मेरा अपना मेथड है साइन मेथड और रूट निकालने का स्पेशल मेथड, उससे मैंने कराया हुआ है। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो ये 4 टॉपिक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, बहुत अच्छे तरीके से हमारे कवर्ड हो चुके हैं। अब एफसीआई मेंस में भी यही टॉपिक आने हैं, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस तो हम कर सकते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें और पढ़नी है मैथ्स में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या चलने वाला है। आप लोग देखेंगे कि कल से आपको डेली एक वीडियो मिलेगी। सबसे पहले टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूं यहां पर, टाइम एंड वर्क। कौन सा टॉपिक करने वाला हूं? टाइम एंड वर्क। इसके जितने भी पार्ट बनेंगे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा, और आगे जितनी भी वीडियोस मेरी आएंगी मैथमेटिक्स में, आई विल फोकस ऑन एफसीआई मेंस, एनटीपीसी सीबीटी 1 जो जुलाई में होने वाला है, और एसबीआई क्लर्क जो 23 जून को होने वाला है। तो 23 जून तक जितना सिलेबस होगा उतना आप कर लेंगे, और इसके लिए जो एसबीआई क्लर्क है, अगेन आई एम सेइंग, अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी 4 टॉपिक मैं करा चुका हूं, वही 4 टॉपिक आप करेंगे तो 80% सिलेबस आपका ऑलरेडी कवर्ड है। और मैं कहता हूं एग्जाम में इतना कम टाइम मिलता है कि आपको पहले वो 80% सिलेबस ही क्वेश्चंस ही आपको कवर करने हैं एग्जाम में, ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं बोल रहा हूं कि जो भी मैं टॉपिक्स आगे से कराऊंगा, आपको एक एक वीडियो डेली 2 वीडियो मिलती रहेंगी, एक वीडियो 2 वीडियो, वो एफसीआई मेंस के लिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए और सीजीएल मेंस के लिए, सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि टाइम एंड वर्क का जो तरीका मैं आपको बताऊंगा यूनिक होगा, बहुत अच्छे से आप लोग सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक एक वीडियो को हम अच्छे से समझेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऊपर एक लिंक है, जाके आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज, टेलीग्राम, सब जगह आप जुड़ सकते हैं, ऊपर लिंक है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, और बने रहिए सिलेक्शन मेंटर के साथ। हम यहां पे कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के सिलेक्शन दिलाने के लिए। सो थैंक यू, टेक केयर।